टीवी शो बालिका वधू में लीड रोल करने वाली दिगंबर टीवी एक्ट्रेस प्रत्युषा बैनर्जी के माता पिता बेटी के जाने के बाद आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने इस बारे में खुलकर बातचीत की। प्रत्युषा के पिता शंकर बैनर्जी ने बताया उन्हें 1 BHK हाउस में रहने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि वो अपनी बेटी की मौत के बाद इस तरह से सब कुछ खो चुके थे। एक रिपोर्ट के हवाले से बताया कि प्रत्युषा के पिता शंकर बैनर्जी ने कहा, इस दुर्घटना के बाद ऐसा लगता है कि एक तूफान आया और हमसे हमारा सब कुछ छीन कर ले गया। हमारे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं बची है। दूसरा केस लड़ने के दौरान हमने अपना सब कुछ गवा दिया। उन्होंने आगे बताया, हमारे पास प्रत्युषा के अलावा और कोई सपोर्ट नहीं था। वो हमें आसमान की बुलंदियों तक ले गई थी और अब उसकी मौत के बाद हम यहाँ जमीन पर आ गए। हमें अब 1 BHK घर में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस केस ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। हमें कई बार कर्ज लेने के लिए उकसाया गया। शंकर बैनर्जी ने कहा, उनकी पत्नी इन दिनों एक चाइल्ड केयर सेंटर में काम कर रही है और कहानियाँ लिख रही है ताकि कुछ कमाई हो सके। प्रत्युषा के पिता ने बताया, हम बहुत ज्यादा आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। मैं अपनी आखिरी सांस तक अपनी बेटी प्रत्युषा के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा और उनके लिए न्याय पाकर रहूंगा। तो इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और डेली न्यूज को सब्सक्राइब करें।